डेरिवेटिव इज अबाउट बॉयल्स लॉ. ठीक है, बॉयल्स लॉ किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था ईयर 1660 में. अब ये क्या है? एक तरह का गैस लॉ है. गैस के बारे में बात कर रहे हैं हम कि गैस किस तरीके से बिहेव करती है. ओके, तो द टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ठीक है, हमने क्या किया, हमने किसी एक कंटेनर में गैस ली. ठीक है, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या करी, गैस फिलअप कर दी. अब उसका टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज़्यादा हम उस पर प्रेशर लगाते जाएंगे उसकी वॉल्यूम उतनी कम होती जाएगी, या जितनी ज़्यादा हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उतना उसका प्रेशर कम होता जाएगा. ओके, ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर पास पास है तो क्या होगी, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पूरा जितना सरफेस घेरा हुआ है उसने जितनी जगह घेरी हुई है. ठीक है, तो जैसे ही हम किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. अगर बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा. तो ये बोला वॉल्यूम इज इन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगी, या वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लेके आ गए. यहाँ पे क्या, इसको हटा के, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो उसे हम हटा के कांस्टेंट लेके आते हैं. कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के कांस्टेंट लेके आए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, वी इज इक्वल टू के पी. ठीक है, और इसके बाद फिर ये हो जाएगा. ठीक, अब उसके बाद टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैसेस कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एक और उसी का क्या है, स्टेटमेंट है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैसेस कांस्टेंट. हमने क्या किया, क्या बोला, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो व्हाट, कांस्टेंट. ठीक है, मतलब कितना भी अगर हम अलग अलग केसेस में देखेंगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. P1V1 भी कांस्टेंट होगा अगर हमने किसी एक जगह पे देख लिया कि एक प्रेशर और एक वॉल्यूम. ठीक है, फिर हमने प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर दिया, फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, के ही आएगा. ठीक है, तो P1 into V1 इज इक्वल टू P2 into V2. ये फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बॉयल्स लॉ के बाद. ठीक है, और P1V1 क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम गैस के हैं. ठीक है, पहले, और P2V2 क्या थे, चेंज होने के बाद. तो ये था ओवरऑल बॉयल्स लॉ, और ये सिर्फ क्या बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.